चाल के अंदर मैं हूं आपके साथ अखिलेश आठी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, कि किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हम कि कैसे सीड में कि कैसे सीड का अक्टूबर में आया था 6138 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1.25% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि कैसे सीड जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं और जो कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट है जुलाई और अगस्त 2021 में ठीक ठाक देखने को मिला है उसका एक्सपोर्ट कैस्टर ऑयल का, उसके बावजूद भी जो कैस्टर है वो 6500 के लेवल पर जाने में थोड़ी देरी कर रहा है। हालांकि जानकार अभी कैस्टर में की तेजी का ही रुझान बता रहे हैं। बात करें चने की तो चने के अक्टूबर बाद देख रहे हैं 5020 पर है, सुबह के मुकाबले अब थोड़ी कुछ हल्की बढ़त बनती हुई नजर आई है आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में चने की कीमतों के अंदर। और बात करें बिनौला खल की तो बिनौला खल का दिसंबर बाद देख रहे हैं 2586 पर है, 2605 का हाई लग चुका है, 0.25% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि आज बिनौला खल के दिसंबर बाद ने 2600 का हाई लगा दिया है। अब अगर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है बिनौला खल की कीमतों में 2600 के ऊपर तो हो सकता है कि जो कीमतें हैं उसके पार भी जाती हुई नजर आए। बात करें यहाँ से अगर मसाला पैक की तो देख रहे हैं कि धनी के अक्टूबर वाला दर 8074 पर है, 1.25% की तेजी। बात करें जीरे की तो जीरे का अक्टूबर वाला 14450 पर हल्की सी बढ़त है। और बात करें यहाँ पे हल्दी की तो हल्दी का अक्टूबर वाला देख रहे हैं इस वक्त 7234 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.5% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में मसालों का जो पैक है ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो लेवल्स हैं पहले वाले नहीं है, जैसे हमने पहले तेजी आती हुई देखी थी मसालों की कीमतों के अंदर वायदा बाजार में, पहले वाली तेजी कहीं गायब होती हुई नजर आई है त्योहारी मांग के बावजूद, त्योहारी सीजन होने के बावजूद। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वो अच्छी खासी हो सकती है क्योंकि मानसून अभी गतिविधियाँ तेज देखने को मिली थी, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छी बारिश के चलते जो नेक्स्ट क्रॉप होगी, जो अगली फसल होगी मसालों की अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से मसालों में अभी एक हल्का वाला रुझान देखने को भी मिल सकता है। जानेंगे बहुत ही जल्द हमारे एक्सपर्ट से जो जुड़ेंगे हमारे साथ बहुत ही जल्द कि आने वाले समय में मसालों का रुझान कैसा देखने को मिल सकता है। मसालों के से पहले इसके साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स की। देख रहे हैं ग्वार का अक्टूबर वादा 10111 पर कारोबार कर रहा है, 0.25% की तेजी है। और ग्वार सीड का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 5837 पर है हल्की सी बढ़त के साथ। देख रहे हैं कि ग्वार गम के अंदर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं कि ग्वार गम 10000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है और ग्वार सीड भी 5800 के ऊपर जा चुका है। देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। बात करें यहाँ से अगर आप एडिबल ऑयल पैक की तो एडिबल ऑयल पैक में आज सबसे पहले बात करेंगे सरसों की यानी मस्टर्ड सीड की। सरसों का अक्टूबर बाद देख रहे हैं 8350 पर है हल्की सी करेक्शन के साथ। आपको बता दें कि आज सेबी का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है सरसों को लेकर, वो ये है कि सेबी ने सरसों को बैन कर दिया है, सरसों कॉन्ट्रैक्ट को, जो सरसों के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें नई पूछने नहीं ली जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ सौदे काटने का ही जो मंजूरी है वो दी गई है। अब ऐसे में सरसों में आगे क्या कीमतें रहेंगी, सरसों में आगे क्या रुझान रहेगा और कैसा बाज़ार देखने को मिलेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका माग्राम सीरीज पर। जी अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी सरसों को लेकर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के सामने आई है आज की, जो सेबी है सेबी ने सरसों के कॉन्ट्रैक्ट सरसों फ्यूचर वायदा पर रोक लगा दी, जैसे कि पहले चने पर लगाई थी, नई पोषण बनाने की मंजूरी नहीं दी गई है, हालांकि सौदे से निकलने की मंजूरी दी गई है और आज से ही तत्काल रूप से लागू हो गया है। आपको क्या लगता है जब सरसों की कीमतें अच्छी खासी तेजी की तरफ जा रही हैं और नई क्रॉप भी आने में कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही महीने का समय बाकी है, तो क्या ऐसे में सेबी का यह फैसला लेना ठीक रहेगा सरसों के ऊपर? देखिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंटेंशन जा रही है कि वायदा व्यापार की वजह से भाव ऊपर आ रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो भी भाव ऊपर आए या नीचे आए हैं वो सब फंडामेंटली के तौर पर आए हैं। जो एक्चुअल सिचुएशन है हमें लगता है कि वायदा को बैन करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा मार्जिन बढ़ाया जा सकता था या अगर कुछ स्टेप लिए जा सकते थे, मगर फिलहाल अगर हम देखें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फेस्टिवल सीजन है उसकी वजह से भावों को सपोर्ट रहेगा।
कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पिछले में अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अब नीचे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन सामने है तो जनरली फेस्टिवल सीजन में हम अच्छी बढ़त आते हुए देखते हैं। हमें लगता है कि सरसों के भाव में आने वाले दिनों में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी कि जो वायदा बैन किया गया है वो जो स्टेप है, हालांकि सभी को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऑल्टरनेट स्टेप्स भी लिए जा सकते थे, कुछ टाइम दिया जा सकता था पार्टिसिपेंट्स को जिससे कि वो अपनी पोजीशनें एग्जिट कर जाते, क्योंकि एकदम से अगर कुछ ऐसा फैसला निकल के सामने आता है किसी भी कम्युनिटी के ऊपर तो जो ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं अपनी पोजीशनें काटने के लिए और नुकसान उठाना पड़ता है। ये सनु जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं लगातार गिरावट की ओर जाती हुई नज़र आ रही है, जिस हिसाब से ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान है और घरेलू स्तर पर देखें तो डोमेस्टिकली सोयाबीन की जो फसलें हैं भारी बारिश के चलते, खराब मौसम के चलते बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नज़र आई है काफ़ी ज़्यादातर राज्यों में, आपको क्या लगता है कि एक तरफ फसलों का खराब होना दूसरी तरफ प्रोडक्शन बढ़ना, क्या ऐसे में सोयाबीन की कीमतों में आगे नरमी देखने को मिल पाएगी या फिर तेजी? देखिए, सोयाबीन में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा क्योंकि जो अराइवल्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं जी। आगे नरमी ही देखने को मिलेगी क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है वो भावों को नरमी की तरफ ले जा सकती है। हमें लगता है कि अभी जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वो कंटिन्यू रहेगा और एडिबल ऑयल में सभी खाद्य तेलों में यहाँ आने वाले समय नरमी का रुख देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो नीचे हमें लगता है कि 5500 से लेकर 5400 रुपये तक के सोयाबीन के भाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं जी। ये सनु जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम लगातार 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दे रहा है और ग्वार सीड की कीमतों में भी आज 5800 के ऊपर का लेवल देखने को मिल चुका है, अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ग्वार में लगातार एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है तो क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में ग्वार कॉम्प्लेक्स 11,000 के भी लेवल दिखा पाएगा? देखिए, ग्वार में जो फंडामेंटल है वो अभी थोड़े सपोर्टिव है, हालांकि हम थोड़ा बहुत यहाँ पर नरमी आते हुए देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ग्वार के भावों में यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल जो है वो मार्केट का काफी सपोर्टिव है जी। जिस तरीके से हमने बारिश आते हुए देखी है राजस्थान में वो काफी हद तक एक पॉजिटिव लेकर आया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल ग्वार के भावों में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भाव अगर नीचे टिप ले तो खरीदारी कर सकते हैं, नीचे अगर भाव ग्वार के 5700 के आसपास में खरीदारी कर सकते हैं, गम के अंदर भी नीचे 9800 के आसपास के लेवल्स में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ग्वार सीड में आने वाले समय में 6000 और ग्वार गम में करीबन 10500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो फंडामेंटली अच्छे सपोर्टिव है, हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए जी। ये सनु जी, अगर आगे बढ़े बात करें कैसे सीड की, तो देख रहे हैं कि कैसे सीड 6500 का लेवल टच करने में काफी समय ले रही है, हालांकि जो फंडामेंटली अगर बात करें तो फंडामेंटल्स देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, कैस्टर ऑयल का जो जुलाई और अगस्त का जो एक्सपोर्ट है वो उसके अंदर भी बढ़त देखने को मिल रही है, उसके बावजूद देख रहे हैं कैसे सीड 6500 का लेवल टच नहीं कर पा रही है, आपको क्या लगता है 6500 का लेवल टच होने में कैसे सीड को अभी और कितना टाइम लग सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कैस्टर का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और जिस तरीके से हमने आज भी रिकवरी देखी है, मुझे लगता है कि जल्दी ही हम 6500 के लेवल आते हुए देखेंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर खरीदारी है वो लौटती हुई दिखाई दे सकती है और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम आने वाले 1 या 2 महीने में 6500 का लेवल यहाँ पर देख पाएंगे। एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही है, हमें लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे जी। ये सनु जी, अगर नजर डालें चने की कीमतों के ऊपर तो वो भी देखने की 5000 के दायरे में ही है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से हाजिर में डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला है उस हिसाब से जो वायदा की कीमतें हैं उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है फेस्टिवल सीजन है खपत भी हो रही है तो चना इस बार अच्छी दिवाली मना पाएगा क्या? देखिए, पल्सिस में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई तेजी का ट्रेंड रहेगा क्योंकि नई क्रॉप की आवक भी स्टार्ट होती हुई दिखेगी जी और अच्छी बारिश हुई है तो आगे सोइंग भी अच्छी रहेगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम कुछ नरमी ही देखेंगे, इवन अगर हम थोक भावों की बात करें तो वहां पर कुछ नरमी देखने को मिली है, तो ऐसा कोई तेजी का इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, प्यारी मांग तो है ही मगर साथ में अगर देखें तो अच्छी आवक भी यहाँ देखने को मिली है, तो मेरे विचार से भावों में कुछ नरमी ही आने वाले समय में देखने को मिल सकती है जी। अनु जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी, वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, एक तो हम यहाँ पे जीरा को चूज कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है, हमें लगता है कि जीरा में मसालों में जीरा को खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर अगर टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि ऊपर करीबन 15,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, साथ में कॉटन पैक जो कि काफी हद तक मोमेंटम में रहा है, मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी का
कॉटन सीड ऑयल के हमें लगता है कि 2800 रुपए तक के लेवल दिखा सकती है, तो जीरा और कॉटन में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अनुज जी ने बताया कि जीरा और बिनौला खल ये दो कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर आप खरीदारी का ट्रेंड बनाकर चल सकते हैं, निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।